मकसद है, मैं थोड़ा सा वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअली जी में हम लोग जो भी बात करते हैं मैं उसे ऊर्जा मानता हूं। जी और यदि जैसे मान लो हम और आपने बातचीत की तो ये दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो गई, राइट। बिल्कुल अब यदि बिल्कुल उसी को हमने रिकॉर्ड करके क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया तो जी वो ऊर्जा जो लोग भी सुनेंगे उससे जो भी संदेश पहुंच रहा होगा वो एक बड़े बृहद लोगों तक पहुंच जाएगा। नहीं, वो एक अच्छी बात भी है। कोई हाँ चीज अगर ऐसी है जो पॉजिटिव है और जिसमें एक कंस्ट्रक्टिव वे में हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और जी लोग उससे लाभान्वित हों, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो समाज के लिए कम से कम एक आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये तो। देखिए प्रोफेसर, आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? मैं सावन खन्ना, साहू जी। तो साहू जी, मेरा आपसे साव नहीं, सावन 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 ऐसे, जी, जी SAWANT। नहीं टी भी नहीं है, केवल ऐसे वी, डब्ल्यू की जगह वी लगाता हूँ वैसे मैं अपनी स्पेलिंग में, अच्छा ओके, अच्छा वी फॉर मिस्टर विक्ट्री, साव, SAVAN। अच्छा सावन, ओके। तो मिस्टर सावन जो है, देखो मुझे लग रहा है कि हम सब लोगों ने अपने देश की जनता के को जो न्याय देना चाहिए था, जो समझाने जी की बुद्धजन विद्वान जनों की जिम्मेवारी होती है, कहीं हमारे से उस जिम्मेवारी के निर्वहन में भारी चूक हुई है। अब आप मालूम नहीं, आप सेम पीड़ा को महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जी मैं इसको बहुत जोर से महसूस करता हूं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें कहीं ना कहीं हम सबकी भागीदारी है, और जो कल्चर और जो हमें शिक्षा देनी चाहिए थी शायद वो कहीं ना कहीं मिसिंग तो है। अगर नहीं होती तो आज यूथ जो हमारा थोड़ा सा मिसगाइडेड है वो नहीं होता। उसके पीछे मैं एक कारण समझता हूं, जी वो है कि जो नियम कानून अंग्रेजों ने और अंग्रेजों की घोषित पॉलिसी के तहत बनाए गए थे, और जी वो पॉलिसी ये थी कि भारतीयों को प्रताड़ित करना है, उत्पीड़ित करना है, अपमानित करना है, उनमें जी हीन भावना डालना है और उन्हें प्रक्रिया में फंसा के रख के तोड़ देना है। कितने सारे मकसद थे उनके सभी कानूनों के। सर, वो और तो एक ही चीज थी कि किस तरह से वो अपने काम निकालें और अपना रूलिंग करते रहें, ये एक उनका मेन। काम निकालना तक सीमित नहीं था सावन साहब, वो काम निकालने से आगे था। वो था कि आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया जाए जिससे आपको ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत ना हो। कहीं ना कहीं उनकी सोच उस तरफ जो है ना थी कि हम आपको इतना तोड़ दें कि आपके खड़े होने की हिम्मत ना हो, और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध तो खड़े होने की आपकी हिम्मत बिल्कुल ना हो। नहीं, मेरा भी मकसद वही कहने का था। काम निकालने का मतलब उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया, बाकी कई मतलब जो इंडियन कल्चर और इंडियन जो एजुकेशन या इंडियन पर्पस जो था वो खत्म कर दिया। उनकी मेंटेलिटी उन्होंने ऐसी बना दी कि ठीक है आप बाबू बने रहोगे और ऊपर यस सर कहते रहो, दैट्स ऑल। सावन साहब, आपकी जानकारी में क्या एक बात है क्या कि एक लॉर्ड मैकाले और जो इनके बॉस थे विलियम एडम, जी इन्होंने 1832 से 1835 तक भारत जी का भ्रमण किया, और जी उन्होंने अक्रॉस द इंडिया पूरे जो गुरुकुल सिस्टम है ऑब्जर्व किया था उन्होंने बहुत अच्छे उसको से। जो है ना उन्होंने अध्ययन किया। और उसको अध्ययन करने के बाद जो है 2 फरवरी 1835 को एक 1780 पेज का लंबा डॉक्यूमेंट इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को पेश किया, और उस डॉक्यूमेंट का ओपनिंग रिमार्क था कि आई हैव ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द इंडिया एंड आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल बेगर और पुअर मैन। और उसके उसमें फिर उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को एनालाइज किया और उसमें बताया कि साहब इसमें 18 महाविधाएं हैं और कैसे गुरुकुल चलता है और कैसे बड़ी प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाती है, और उस प्रैक्टिकल शिक्षा के आधार पर जो यहाँ की इकोनॉमी है वो कितनी पावरफुल है, ये सब जो है उसमें समझाया गया। और जब जो है ब्रिटिशर्स ने पूछा कि भाई तुमने भारतीयों का तो बहुत गुणगान कर दिया तो इस समय ब्रिटेन की क्या स्थिति है, तो जब इंडिया में साउथ में 97-99% लिटरेसी थी और नॉर्थ में सबसे कम थी 88%,
उस समय ब्रिटेन की लिटरेसी मात्र उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मात्र 17% थी, 17%। और वहां पर केवल संडे स्कूल, मतलब सप्ताह में केवल एक दिन ही स्कूल होता था जिसका नाम था संडे स्कूल, और उसमें केवल बाइबल ही पढ़ाई जाती थी। नाउ इंडियन एजुकेशन सिस्टम और ब्रिटिश का जो एजुकेशन सिस्टम 1835 में, यदि हम उसे देखने की कोशिश करें तो वो हमारे सामने कहीं भी नहीं टिक पाते। टिक नहीं पाते क्या? बिल्कुल बिल्कुल और इसके बाद ही इसी डॉक्यूमेंट की चर्चा के आधार पर ये निर्णय लिया गया कि इनके गुरुकुल सिस्टम को तोड़ दिया जाए और इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया, और बाकी जो हमारे गुरुकुल थे उनको अमान्य कर दिया, और हमारे गुरुकुल के जो गुरु आचार्य थे उनके साथ बहुत ही गंदा, घटिया और अमानवीय व्यवहार किया गया। ये सब मुझे, ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हाँ, मुझे इस बात की बहुत पीड़ा होती है कि हम में से किसी ने भी इसे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं किया। आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल डॉक्यूमेंट जिसमें इन आचार्यों के साथ जो व्यवहार किया गया, जो उन्हें तोड़ा गया, ये बात जो है कहीं पे भी ऑन रिकॉर्ड नहीं दिखाई देती है। या हो सकता है मेरे नॉलेज में ना हो भी कहीं पे, बट एटलीस्ट मेरे ज्ञान में नहीं है। एक्चुअली वो सारे एक सिस्टम को ऐसा बना करके चले गए या सिस्टम को ऐसा बनाते चले गए जिसमें शायद मेंटेलिटी भी वही होती गई। आप धीरे धीरे जहाँ तक समझ में आती जा रही है चीज़ें, तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जो नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, इसको पहले से गिरने की कोशिश नहीं, वो एजुकेशन पॉलिसी भी प्रैक्टिकल नहीं है। वो एजुकेशन प्रैक्टिकल। तो पॉलिसी, सर देखिए, जब हाँ हम बात करते हैं इतने बड़े भारत की, उस इतने बड़े भारत में अगर हम किसी तरह के भी किसी चेंजेस को लाने की कोशिश करते हैं, तो सर 10 साल से पहले तो ये चेंज भी उम्मीद ना करें। और जो इंफ्रा है हमारा, वो बहुत अभी वीक है, मैं आपको ये इंफ्रा बताऊं, वीक है। कहीं ना कहीं आत्मा वहां विलुप्त है। यदि हम आत्मा वहां रख देंगे तो सब वो जीवित होके अपने आप जो है ना विकसित होता रहेगा। यदि एक सीड है और उसमें हमने फर्टिलाइजर और जो है ना उर्वरक, खाद और डाल के पानी वानी सब दे दिया, तो धीरे धीरे वो सीड जो है वो प्रस्फुटित हो जाएगा, और कब वो पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि धीरे धीरे होगा, लेकिन अभी तो कहीं मुझे लगता है कि आत्मा ही मिसिंग है। हम कहीं ना कहीं दूसरी जगह की चीजें कॉपी कर रहे हैं, हमारा मूल चिंतन वहां मिसिंग है। मतलब हमारा मौलिक चिंतन जो होना चाहिए वो मौलिक चिंतन वहां नहीं है। कहीं ना कहीं से देख दाख के उसी को करके हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हमें यदि कहीं देखना चाहिए तो हमें वैदिक ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। तो क्राइम फ्री भारत का तो बिल्कुल जो है, जो बेसिकली इसके 21 लक्ष्य हैं, जो तीसरा लक्ष्य है वो यही है कि इंडियन गुरुकुल, इंडियन एजुकेशन एक्ट को बदल के इंडियन गुरुकुल एक्ट लाया जाएगा, और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंट्रिक मॉडर्न एजुकेशन होगी, लेकिन आत्मा कहीं ना कहीं वैदिक होगी। नहीं, क्योंकि अच्छी देख बात है, क्योंकि बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। वैदिक ज्ञान में जो स्रोत था वो ऋषियों का कॉस्मिक ज्ञान था, और हमारे ऋषियों को दृष्टा कहा गया है। उन्होंने अपने मेडिटेशन के आधार पर वो सब चीजें देख पाई कॉस्मोस में, और उन्हीं को उन्होंने अपनी लेखनी से बखान कर दिया, राइट? अब बात सही है। वो कॉस्मिक नजर तो हमारे पास है नहीं, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि जो लिख दिया उसे मान लीजिए ब्रह्म वाक्य, राइट? लेकिन मैं चाहूंगा कि उस ब्रह्म वाक्य के बारे में आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जितना भी हम उसका मैनिफेस्टेशन आम आदमी के समझ के लायक ला सकें, यदि हम उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट से यदि वो ले आएंगे, तो हमारी एजुकेशन मौलिक भी होगी और बहुत अच्छी होगी। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी है उसी पर आगे फर्दर रिसर्च और उसी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब तो हमारे पास वो ना तो उस तरह के साधु हैं ना ऋषि हैं जो उसी नहीं, ज्ञान को, लेकिन उसी लेकिन डायरेक्शन को आगे वो बढ़ाए। लेकिन वो अभी भी बहुत सारा लिटरेचर ऑलरेडी अनटच है। कोडिफाइड है। अब ये बताइए, जो न्यूटन्स ने जो तीन लॉ कहे हैं, मैं नाम भूल रहा हूं कौन से ऋषि का, हमने आई हैव रेड देम, मैंने वो श्लोक भी पढ़े हैं, दे वेर ऑलरेडी रिटन। नहीं, जो और इंडियन साइंटिस्ट जो रहे हैं, जो हमारे इंडियन रिसर्च रही है, वो तो इन सब चीजों से ऊपर रही है। हम पाइथागोरस पाइथागोरस सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन बौधायन ने उस चीज को कर रखा था, ये पढ़ाया ही नहीं कभी किसी ने।
नहीं, भाई लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये चीजें हमको अभी डिबेट करके जो नहीं तो भी बिल्कुल इनकी करनी बॉडी है चाहिए, उनको कहना चाहिए कि पाइथागोरस गौरव को नाम बाद में, पहले ये नाम पहले लिखे। पहले बोधायन का नाम आना चाहिए भाई, पाइथागोरस बाद में आना चाहिए, तो ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये तो मैं अपनी क्लासेस में भी इस चीज को करता हूँ प्रमोट, मेरे नहीं, जो छात्र आपको नहीं लगता है कि ये बात भारत सरकार को लिखना चाहिए? भारत सरकार में लिखना चाहिए बिल्कुल, इतना करेज होना चाहिए चीजों को एडॉप्ट क्यों करने का मेरे ख्याल करे से। करेज क्या किसी दूसरे से लेने जाना? देखिए मैं आपको ये बताऊं, ये तो सर जी सावन जी, मेरी सोच ये है कि हमारी वेल्थ जो है वो हीरे जवाहरात सोने चांदी नहीं है। यदि मेरे भाषा में यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत की वेल्थ क्या है, तो मैं उसे कहूंगा सूर्य भगवान और गाय माता का गोबर, जिसकी एक अभी जो है, आई डोंट नो, आपने आपने आचार्य देवव्रत जी का नाम सुना है? नाम सुना होगा, कभी मेरा मतलब ऐसा मौका नहीं पड़ा कि ये आचार्य देवव्रत जी जो है बड़े महान प्राणी हैं, वैसे एजुकेशनिस्ट हैं और ये 3-4 राज्यों के गवर्नर रहे हैं, अभी ये गुजरात के गवर्नर हैं। और इन्होंने जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से मिलके बहुत ओरिजिनल रिसर्च की, अलग अलग तरीके की गाय के गोबरों के बारे में, उसके बारे में, और उन्होंने पाया कि जो देसी गाय का गोबर है उसका 1 ग्राम गाय के गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं। और उन्होंने ही एक और सेकंड फाइंडिंग दी कि जो गाय दूध नहीं देती है, ऐसी देसी गाय के गोबर में 1 ग्राम में 500 करोड़ जीवाणु हैं, 500 करोड़। तो सही मायने में देखा जाए तो दूध देती गाय से जो गाय दूध नहीं दे रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे तो लगता है कि हमारी सरकार इन चंडाल चौकड़ियों के से फंसी हुई है, और कोई चाहे कुछ भी कहता रहे, कहीं ना कहीं हम इन विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। कहीं ना कहीं, चाहे वो कितने ही भी इंच का सीना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम कठपुतली बन रहे हैं। क्योंकि आप ये बताइए, यदि अभी हमारा कार्बन कंटेंट 0.5 कार्बन पहुंचा, पॉइंट या 1 पे पहुंच रहा है, तो हम इसे यदि गाय का गोबर, जीवामृत, घनामृत का यूज करके यदि हम 1 साल में हम 0.8 कार्बन कंटेंट पे पहुंच सकते हैं, तो हमें अपनी मिट्टी को पुनः जीवित करना हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर जो है केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जो कि मिट्टी की जान निकालने में, उसे निष्क्रिय करने को, उसके ऊसर बनाने के लिए जिम्मेवार है, उससे सब्सिडी भी हट जाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि उसका उपयोग वर्जित कर देना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे जो सभी हैं, हर किसान अपना जीवामृत घनामृत क्यों बनाए, मास स्केल में जो है ना जीवामृत घनामृत बन के जो है ना निःशुल्क रूप से सभी खेतों में छिड़काव किया जाए, सबके खेतों में किया जाए, तो हर किसी को नो हाउ की जरूरत भी नहीं होगी, छोटी मोटी चीजें भी नहीं चाहिए होंगी, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक बड़ा बड़ा ये मूवमेंट है, बड़ा आंदोलन है ये, और इसके ऊपर हमने मतलब इसके लिए एक पूरा क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल बनाया है, जो कह रहा है कि किसान के ऊपर ढेले भर का भार नहीं आएगा, हम उसको ट्रेंड लेबर भी भेजेंगे, सब कुछ भेजेंगे, और उसको जो है ना 1 MSP भी दे देंगे, और उसको ना सीड का पैसा देना होगा, वो उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से सेटल होता रहेगा ओवर द पीरियड। खेतों में जो है 10 फीट गहरी खाई खुद जाएगी, जहां पे एक्वा कल्चर होगा, और ये 1-to-1 आपस में कनेक्टेड रहेंगे, तो जो आप इंटरलिंकिंग और रिवर कह रहे हैं, ये हम मल्टीपल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अपने आप हो जाएगा, और हम राउंड द क्लॉक इन खाइयों में पानी मेंटेन कर पाएंगे, हमारा पानी का लेवल फिर से 8 फीट पर आ जाएगा। मुझे कई बार बहुत लज्जा आती है कि ये प्राथमिकताएं भारत सरकार की क्यों नहीं है। सर आप जैसे साधन संपन्न प्रभावशाली लोग अगर कुछ बात उठाएंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं इस निष्कर्ष पे, देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैंने 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट एज ए सिटिंग डीजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, जिसका ये था कि टेक्नोलॉजी का यूज करके क्राइम फ्री भारत इज डूएबल, राइट। इस पे 2 साल तक विचार करके 2019 में इसे मान्य कर लिया गया। और आपको सावन साहब जान के ताज्जुब होगा कि आई एम द प्रोजेक्ट हेड ऑफ 2 मिशन, जिसमें से एक मिशन यही है, नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत।
पड़ेगा। हाँ, सितंबर 2020 में मैंने एक ड्राफ्ट लॉ भेजा, और उस ड्राफ्ट लॉ का, वैसे तो हम उसको निकनेम में हमेशा डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं, लेकिन हमने जो उसका बड़ा नाम लिखा, क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारे ही साथी ब्यूरोक्रेट 2 मिनट में उसे हवा में उड़ा देंगे ये कह के कि पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो हमने जो ड्राफ्ट लॉ का जो टाइटल दिया वो बड़ा लंबा चौड़ा दिया, जिससे किसी ब्यूरोक्रेट को उसे उड़ाने की हिम्मत ना हो, और उसका नाम हमने दिया नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 1, सॉरी लिस्ट 1 शेड्यूल 7। अब ये किसी ब्यूरोक्रेट की औकात नहीं थी कि वो कह दे के साहब ये पुलिसिंग है, मैं तो आपको जो है ना एंट्री नंबर बता रहा हूँ कहाँ से इसकी अथॉरिटी फ्लो हो रही है। और हमने उसमें राइट टू प्राइवेसी दिया, और राइट टू प्राइवेसी जैसे कि हर फंडामेंटल राइट कंडीशनल है, तो हमने इसको भी कंडीशनल बनाया कि भाई साहब आपने जैसे ही ऑफेंस किया योर राइट टू प्राइवेसी विल सीज टू एग्जिस्ट, तो उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस मत करना, बस उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करोगे तो आपका सब राइट प्रिजर्व्ड है, राइट आपके सब चीज प्रिजर्व्ड है, अन्यथा हमारा ही डिजिटल चित्रगुप्त आपके विरुद्ध FIR कर देगा, पूरे एविडेंस दे देगा और आपको जेल में सड़ने के लिए व्यवस्था कर देगा। तो बहुत ही पावरफुल 21 लक्ष्यों के साथ ये है, और आई एम रियली वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू, क्योंकि आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव वाइब्स व्हाइल आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू। इट्स वेरी नाइस टू टॉक टू यू, और काफी चीजें जानने को भी मिली, और आपका इतना अच्छा विजन है, इतना अच्छा प्रोजेक्ट आप लेकर चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कभी मतलब मैं बात करूंगा इनसे, मानू से कि किसी दिन अगर हो सकेगा तो आपको यहाँ बुला करके मैं बिल्कुल करूंगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसे आपके कॉलेज तक सीमित ना किया जाए, बल्कि जो है विभिन्न कॉलेजेस में अपन बातचीत करके एक दो दिन रुक के ज्यादा जगहों को कवर करें, क्योंकि ये जो मॉडल है ये मॉडल तो समग्र जो है ना समाधान दे रहा है, ये कह रहा है 21 लक्ष्यों के साथ ये भारत ही बदल जाएगा। नहीं, मैं इनके साथ बैठता हूँ फिर उसके बाद प्लान करके तभी आपका उसमें कंसर्न लेते, ठीक है? जरूर जरूर, इट विल बी माई प्लेजर। और इस दौरान यदि अपन जो है ना थोड़ा सा आसपास के स्कूल कॉलेजेस में भी संपर्क कर लेंगे तो मेरी विजिट ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी, मुझे लगेगा कि मैंने संदेश जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू मिस्टर भानु प्रताप दैट ही कनेक्टेड मी विद यू, और यदि आप अपने मोबाइल से हमको एक रिंग दे देंगे तो आई विल सेव योर नंबर। सर मैं नंबर सेव करूंगा आपका भी। ठीक है ठीक है, तो शुड आई गिव माई नंबर, नहीं तो भानु दे देगा? भानु से ले लूंगा मैं सर, भानु से। ठीक है तो आप उससे अपना रिंग कर दीजिए तो मैं उसे सेव कर लूंगा, एंड वी विल स्टे कनेक्टेड, एंड आप जो ये होमवर्क कर लीजिए, जब भी आप कहेंगे आई विल सर्टेनली विल कम, बस केवल थोड़ा सा मुझे पहले से बता देना सो दैट आई विल पुट इट इन माई शेड्यूल, क्योंकि आजकल मेरा मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ, तो ऑब्वियसली टाइम लेकर के उसके अकॉर्डिंग ही होगा। जी जी जी, थैंक यू, थैंक यू मिस्टर सावन, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम है सर। ओके, बाय बाय।